चलो चलो जनाब, क्या हाल जी? और मल साहब ठीक ठाक हो? क्या बात है, क्या बात है! बाप जी तो वाड़ता हूं ना, सवारियां पूरी बैठी हैं। अयो सवारियां पूरी वापस बिठाओ। अच्छा 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 आ जाओ इधर बैठ जाओ। वैसे तो हम पहुंच गया, बेचारा इधर लिया, इधर लिया, इधर लियाओ, इधर लियाओ। अब्बा जी एक सवारी बिठा रहे। अब्बा जी इधर लियाओ, नशा बजा जो बोले, इधर आओ। ये अपने मलक गुलाम रसूल साहब ने इतने चनोर दे सदर। तो लीजिए आ, काम नहीं करना। लो जना मुझे बैठे रहना। तस्वीर
हमारे फॉर्मर की है जी ये आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि आपने भारत बरादरी को मुल्क भर में एक मुनज़्ज़म प्लेटफार्म पर मुतहद किया मुनज़्ज़म किया तो इस सिलसिला में क्या सोच है कारफरमा थी आपकी आप क्या चाहते हैं कि मुल्क बरादरी के प्लेटफार्म से नहीं जो आए ना कोई इसके पीछे अवामी समाजी खेलने का कौन सा जज्बा था जिसके तहत आपने मुल्क बरादरी को मुतहद किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरअसल मलिक बरादरी पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है और माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं और अच्छे कारोबारी लोग भी हैं और बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं ज़ाहिर हर बरादरी की तरह अमीर नहीं है और गरीबी नहीं है लेकिन जब मैंने देखा कि और मतलब ये बरादरियाँ जो हमसे मलिक बरादरी से कहीं छोटी हैं मसलन आप इस्माइली बरादरी को देखें बोहरा बरादरी को देखें दहली सौदागरान को देखें या चुनौत बरादरी को भी देख लें तो ये या मेहमान भी देख लें ये तादाद के लिहाज से मलिक बरादरी के लिहाज से ये लोग 10% भी नहीं हैं लेकिन आप इनके ज़िंदगी में मुख्तलिफ शोबों में देखें तो ये माशाल्लाह काफ़ी आगे नज़र आते हैं क्या कारोबार में देख लें किसी मैदान में देख लें अब मलिक बरादरी जो के तादाद के लिहाज से किसी बरादरी से पीछे नहीं है बल्कि तादाद में तो कहीं ज्यादा है और बाज़ अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन ये 40 से 50 लाख लोगों पर मुश्तमिल लिया है वो एक सेंट्रल उनके एग्जीक्यूटिव कमेटी है या किसी न किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर है लेकिन हमारी मलिक बरादरी टुकड़ियों में बटी हुई है उसकी वजह से ना तो बहुत कारोबार में आगे जा सके पढ़ जाते हैं या थोड़े से अमीर हो जाते हैं तो बरादरी से वो कटना शुरू हो जाते हैं यहाँ तक कि वो शादी के सिलसिले में भी पीछे होती चली जाती है अगर हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग और बाहर शादी करने लगे बरादरी से कट जाए तो जाहिर है कि बड़ा नुकसान है मैंने मेरे साथियों ने मेरे महरूम साथी सुलेमान रोशन टंडवादम वाले इस सिलसिले में ज़्यादा फिक्रमंद थे तो इन्होंने सोचा कि हमें मलिक बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना चाहिए दयानदारी बात तो बहरहाल सब लोग मान के हाँ जी हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए अब उनको एक रहनुमा की जरूरत पेश आई तो कई लोगों के पास में गए मेरे पास भी आए पादम में माशाल्लाह बहुत बड़ा इज्तम हुआ हजारों की तादाद में लोग बड़े बड़े शहरों से छोटे छोटे गाँव से कस्बों से लोग आए और भरपूर नुमाइंदगी